आप देख रहे हैं अमेज नाउ। भारत के लाल का नेपाल में सम्मान। भारतीय मूल और गोरखपुर निवासी भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल गुप्ता का नेपाली मूल और नेपाली व्यापार जगत के कुछ जिम्मेदारों ने भव्य स्वागत और सम्मान किया। कहीं न कहीं खड़े होते रहे, वरना आगे भविष्य में हम जैसे लोग भी हाथ पीछे खींच लेंगे कि यार हम लड़के क्या करेंगे कि जब ये अपना बयान देने से ही मुकर जाएगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी भाइयों को। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल। ये आयोजन नेपाल के रूपंदेही जिले में स्थित एक 5 सितारा होटल में सोमवार को किया गया। ये सम्मान मेरा नहीं, हम सभी भारतीयों का सम्मान है। इसको उस रूप में मैं देखता हूँ, जो भी भारतीय नेपालियों की मदद के लिए, सहयोग के लिए खड़े रहते हैं, ये उनके सम्मान में मुझे सम्मानित किया गया, जिसमें वहाँ के मेयर और मंत्री समेत कई जिम्मेदार अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सन 2016 में भारतीय कस्टम और पुलिस अधिकारियों द्वारा एक तरफा अघोषित नाकेबंदी कर छोटे और भारी सभी वाहनों को रोक दिया गया था। ये नाकेबंदी जहां महीनों तक नेपाली नागरिकों के लिए परेशानी का सबक बन गया था, वहीं भारतीय राजस्व का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 2016 के नाकाबंदी के दरमियान जो मैंने सहयोग किया, मदद किया नेपाली नागरिकों के लिए, सीमा को खुलवाया भी, 8 पुलिस वालों के ऊपर FIR भी दर्ज कराया, कस्टम के अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज कराया, तमाम लिखा पढ़ी के बावजूद तब जाकर के वो नाकाबंदी खुला और लोगों ने कहा कि कोई ये अघोषित नाकाबंदी थी, कोई लिखित इसकी सूचना नहीं थी। और इस दौरान भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी रही। समाजसेवी अनिल गुप्ता ने न सिर्फ व्यापारिक और निजी वाहनों पर लगी रोक के कारण पैदा हुए गत्यावरोध को दूर किया, बल्कि उनकी सक्रियता के कारण भारतीय कस्टम और पुलिस के 8 अधिकारियों पर गाज भी गिरी। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ ने मुझे सम्मानित किया, क्योंकि व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा था, वहाँ के लोगों का नुकसान हो रहा था, आम जनजीवन अस्त व्यस्त थी, इसलिए व्यापारी संगठन ने सबसे पहले मुझे सम्मानित करने का कार्य किया। उसके बाद अभी कल ही मुझे नेपाल कस्टम क्लियरिंग एजेंट संघ ने मुझे सम्मानित किया, वो भी एक भव्य समारोह के साथ 5 सितारा होटल में किया। और इस सम्मान को मैं ये देखता हूँ कि ये हम भारतीयों के लिए एक ऐसा सम्मान है, ये हम इसको पूरे भारत के साथ जोड़ के देखना चाहते हैं, व्यक्तिगत अपने लिए नहीं। जो ईमानदारी और कर्मठता के साथ नेपाली नागरिकों के, नेपाल देश के, मित्र राष्ट्र के लिए खड़े रहते हैं, ये उनके सम्मान में दिया गया मुझे ये सम्मान। इस उपलक्ष्य में सन 2018 और फिर 2024 में अलग अलग नेपाली संस्थाओं ने भारत के इस सपूत को नेपाल में बुलाकर बकायदा भव्य स्वागत और उनका सम्मान किया। नेपाल का कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं था, ये सभी भारतीय अधिकारी थे, चाहे वो कस्टम के थे, चाहे वो पुलिस के थे। और इसमें थोड़ी दिक्कत आई, जो जब FIR तो हो गया, कार्रवाई भी शुरू हो गई, कार्रवाई के दरमियान हमें कहीं से भी सहयोग नहीं मिला। भ्रष्टाचार निवारण संगठन में भी केस ट्रांसफ़र हुआ, उन सबों ने भी अपने, भ्रष्टाचार निवारण संगठन है लेकिन भ्रष्टाचार निवारण की जगह नहीं, भ्रष्टाचार में सम्मिलित लोगों के साथ वह सम्मिलित हो गई। उसमें फर्जी तरीके से बयान दर्ज किया गया। जिस व्यापारी ने यह आरोप लगाया था कि उसने पैसा दे करके ही अपने CDT कंटेनरों को पार कराया था, उसका विवरण भी मेरे पास डिटेल रखा हुआ है। नहीं देखिए, इससे भारी राजस्व का नुकसान हम भारतीयों का हुआ, भारतीय व्यापारियों का हुआ। गाड़ियाँ नहीं गई, माल नहीं जाने पाए, और जो माल जा रहे थे वो अवैध वसूली के माध्यम से जा रहे थे। जैसे कस्टम के लोग CDD कंटेनर थे, तो उनका एक मियाद होता है कि 15 दिन के बाद, 15 दिन तक वो फ्री होता है बंदरगाह लौटने के लिए, लेकिन उसके बाद 5,000 रुपया प्रतिदिन उसमें हॉल्टेज चार्ज लग जाता है। उसकी वजह से इन लोगों ने धमका के, परेशान करके, गाड़ियों को रोक करके वसूली तो किया कस्टम विभाग ने, भारतीय कस्टम ने और पुलिस ने, इनकी मिली जुली जोड़ी ने अरबों का घपला किया, लेकिन हम भारतीयों के व्यापारियों का जो नुकसान हुआ उसका खामियाजा भी
नेपाल के आम जनजीवन पर पड़ा। हम यहाँ जो ऐसे पड़ा कि जैसे जगदम्बा इंडस्ट्रीज का जो 80 CTT कंटेनर पार हुआ, जिसमें उसने कहा था कि 80 लाख रुपया उसने दिया, 1 लाख रुपया प्रति गाड़ी के हिसाब से, तो उसका जो सीमेंट बनता था उस समय उसकी सीमेंट 540 रुपये की थी, और इसका CTT कंटेनर पार होने के बाद उसकी सीमेंट 740 रुपये में बिका, तो 200 रुपया तो जनता की जेब पे पड़ा ना। ये घूस की रकम जो भी व्यापारी देता है, जिसको भी देता है, चाहे बॉर्डर पे हो चाहे हमारे देश प्रदेश में हो, घूस की रकम के माध्यम से वो घूस की रकम देता तो अधिकारियों को है, लेकिन वसूली आम जनता के जेबों से करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर से अमेज़ नाउ की तरफ से इस सम्मान के लिए। बने रहिए अमेज़ नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज़ नाउ।